जो क्रोसिन से हमारी जो दीवार लगा के वो कर वो उजाला करना पड़ता है सर। यहाँ पर बिजली नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है सर। सरकार कहती है कि गांव-गांव में बिजली फैला दिया गया। नहीं सर, हमारे यहाँ जो ऐसे ऐसे लोग हैं बिजली क्या होती है वो भी नहीं समझते हैं सर। पानी तो सर थोड़ा खड़ा खोदते हैं, जमीन पे खड़ा खोद के फिर बाद में पीते हैं पानी। ये पानी कहाँ से निकल गया? ये जमीन से अंदर से आता है, जमीन के अंदर। इसको इसी पानी को इकट्ठा करके गड्ढा में डाल देते हैं, गड्ढा में डाल देते हैं फिर बाद में ये पी लेते हैं। नहाने का भी यही है, पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है, कोई हमारा कोई सुविधा नहीं। अच्छा। रोड नहीं है, बीमारियाँ वहाँ कटी लेने जाओ, उदयपुर लेने जाओ, यो पैसा 60-70 किलोमीटर है। पानी जो एक हमारे यहाँ जो छोटा सा एक नाला है उस नाले से पानी रहता है, लेकिन बारिश कम होने वजह से अभी तो इस साल तो बारिश कम होने की वजह से ये कम है, तो पानी सूखने लग गया और सूखा भी है। लेकिन हमारे जो पहले तो जो अच्छा बरसात होता है तो ये नाला हमारे को निकाल के नहीं फेंकता है, तो इसलिए नाले से पीते हैं, लेकिन वो अच्छा पानी हमको नहीं मिलता है सर। ट्यूबवेल नहीं है सरकार ने, बोरिंग वोरिंग नहीं करा है सर? रास्ता नहीं है तो बोरिंग कहाँ से होगा सर? गाड़ी आती भी नहीं है सर, तो बोरिंग भी नहीं है, हेडपम्प कुछ नहीं है सर। तो जो जमा हुआ नाले का पानी पीते हैं, बीमारी नहीं होती उससे? उस पानी से ही बीमारी फैली थी, तो उस समय यार लोगों की मृत्यु हो गई थी सर। अभी भी कहीं कहीं जो बुखार आता है, कहीं आज और एक और लेडीज बाली पहुँचाई है सर, वो भी बीमार थी। 12-15 किलोमीटर दूर मालवा छोड़ा है, यहाँ गुगुंदा है, वहाँ भी हम टमे पे जाते, दूर टेम पे जा नहीं पाते। यहाँ आते सुबह 12 बजे से पहले जाएं, वो इलाज करवाते करता है 10 बजे से पहले। यहाँ इतना दूर चल के हम 10 बजे तक पहुँच नहीं सकता है, वो कहता है रुक जाओ, हम 1 बजे से बाद 4 बजे हम इलाज करेंगे। वहाँ भी कोई इलाज, इतना दूर में जाकर कोई इलाज हमारे होता ही नहीं है। यहाँ से कोई लोग हमारे 2-3 बंदे, एक भी 3 महीने से पहले एक बंदे यहाँ बीमार हो गए, रात को बुखार आया और सुबह लेने जाते रास्ता में ओप हो गए। हमारे यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है सर, पहले बिल्कुल रास्ता बिल्कुल हमारे नहीं था, लेकिन हम कलेक्टर साहब वहाँ जो उदयपुर गए थे, कलेक्टर साहब ने बोला था सर सहायता लग गई, हम पैसे नहीं दे सकते, लेकिन हम तुम्हारे जो जंगलात विभाग से हम रोक लगा सकते हैं कि आप जो संदा करके जो ये मशीन चला के आप थोड़ा रास्ता कर सकते हो गांव वाले, तो मैं रोक लगा सकता। हमने यस कर लिया और वो हमने यहाँ के संदा करके जो मशीन लगा के ये थोड़ा रास्ता किया, लेकिन कोई अच्छा रास्ते में रास्ता नहीं है सर। जब तक हमारे गांव के अंदर ये सड़क पक्की नहीं होगी, जब तक हमारी कोई समस्या सोल्व होने वाले, क्योंकि खंभे भी लाने सड़क से लाने पड़ते हैं, हेडपम्प भी लाना सड़क से लाना पड़ता है, और मरीज भी बीमार होते हैं तो वो हम सड़क से ले जाते हैं। जब तक ये सड़क पक्की नहीं होगी, जब तक हमारी ये समस्या कभी मिटने वाली नहीं है। राशन वाशन मिलता है सरकार से? नहीं मिलता। नहीं मिलता, क्या क्या मिलता है? क्यों नहीं मिलता रे? गेहूं मिलता है? गेहूं नहीं मिलता। नहीं गेहूं नहीं मिलता ना। सरकार कहती है हमारे सभी गांव में जाकर के कोई कमी नहीं है। हमारे ये 95 मकान पे 38 लोग बीपीएल है, 60 लोग एपीएल है। इसमें से नहीं एपीएल बीपीएल वाला की बिजली मिली और नहीं एपीएल वाला भी कुछ नहीं है। और लोगों ने हमारे करुचिन मिल रहा था, वो भी सरकार ने बंद कर रखा। पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में? 9th में। तो 9th का तुम्हारे गांव में स्कूल है? नहीं है, 5वीं की है। 5वीं तक की है? हाँ। उसके बाद आप कहाँ जाके पढ़ते हो? उकलियात। कितना दूर है यहाँ से? 12-13 होगा। 12-13 किलोमीटर। किस क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास तक का स्कूल है गांव में? नहीं है। कहाँ जाते हो? यहाँ से उकलियात। तो कैसे जाते हो 12 किलोमीटर? पैदल जाते हैं और रोड में जाकर गाड़ी में बैठकर जाते हैं। अच्छा। हमारे स्कूल में हेडपम्प भी नहीं है, कोई ट्यूबवेल भी नहीं है, सिर्फ दो मास्टर है सरकार से, गवर्नमेंट से सिर्फ दो मास्टर है, बाकी हमारे हेडपम्प नहीं है और कोई सुविधा नहीं है इससे अलावा।
और हम लोग स्कूल में भी है, वहाँ से 1 किलोमीटर जाके नदी का पानी पीते हैं बच्चे, कोई एक दो दो दिन होगा तीन बीमार होते हैं, तो उसके लिए कोई परवाह नहीं सरकार, तो कोई यहाँ से कोई जाने आने का रास्ता भी नहीं है। और ये गंदा पानी किससे होता है, इसे गंदा पानी से होता है, बिल्कुल भी नहीं। मजदूरी खेटक वाली फाड़ना समीरपुर मर मजदूरे हैं, मजदूर है ही नहीं, बहुत दुखे हमें। तो सरकारी माते खूब कागज बेच जन हारू की दुकान मारे कोई सुनिया है ही नहीं, सर मगरा में कोई कम नहीं आवे, जंगला तोला बोले कि तेरा कम कम कोई नहीं आवे के, यो बोले क्या बोल रहे ये सर? अच्छे बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सरकार 72 साल से कुछ काम नहीं किया है, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मतलब हमारे कुछ नहीं है रोजगार गारंटी है, उनसे भी हम वंचित हैं। तो ये मतलब ये बता रहे हैं कि मतलब जो हम हर चीज़ से वंचित हैं, सरकार इतनी समय हो गई, हम भी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन कोई हमारा कोई सरकार ने अभी तक व्यवस्था नहीं की। मजदूरी के बारे में कुछ बोल रहे थे, मजदूरी बारे में तो हमारे को यहाँ से यही बोला है कि हमारे को फालना वाली रानी जो जैसे ये दूर दूर जो सिटी है उसमें मजदूरी के लिए जाना पड़ता है, और इसलिए ये बोल रहे हैं कि वहाँ जाना पड़ता है, या सरकारी कोई योजना चलती है तो यहाँ हम धंधा करते हैं। ये सर क्या करते हैं बच्चे सब? बच्चा क्या नहीं करते, मजदूरी करे कोई गति को दे कोई कोई मजदूरी करते हैं बस इधर। अच्छा, कहीं भी जाते हैं मार्केट में टीपन लेके सुबह जाते हैं शाम को आते हैं घर पे। कितना पैसा कमा के घर में ये लोग कमा लेते हैं बच्चे लोग? बच्चे कितने के मजे ले, 300 250-300 रुपया कमाते हैं, और जाने आने का किराया बस करके 150 रुपया घर लेके आते हैं, बस तेल पानी लाके 150 रुपया घर लाते हैं शाम को। काम कोई करते नहीं, कोई आवे दी वो मजदूरी करे नहीं, कोई नहीं। घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का क्या खेती बाड़ी करे दे थोड़ी गणो ही रहने, कोई कोई नहीं। और लकड़ी उकड़ी काटते हैं? लकड़ी तो कोई काटे दे, कोई हुकी ले बाजार पैसा 8 रुपया दे लोग। क्या बोल रहे हैं ये? ये ऐसे बोल रहे हैं कि लकड़ी लेके जाते हैं थोड़ी थोड़ी बाजार में, तो बेच लेते हैं तो पैसा आता है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा पैसा देते तो घर में आटा वगैरह ला के खाते हैं। और क्या बताए, खेती बाड़ी का क्या बता रहे हैं? खेती बाड़ी तो ये बारिश आता है जब खेती बाड़ी होता है, जंगल में ऊपर रहने वाला वहाँ का पानी है, कोई पानी वानी नहीं है, बारिश में मक्की बोते है मक्किया तो वो पक जाता है तो वो खाते हैं मक्की। अच्छा। पूछिए कि ये जो चुनाव आता है विधानसभा का हो लोकसभा का चुनाव होता है, उन चुनाव में ये वोट करते हैं, और वोट करते हैं तो क्या इनके जीवन में कोई फर्क आ रहा है, कोई किसी तरह का कोई परिवर्तन इनके जीवन में आ रहा है? चुनाव का क्या मतलब है इनके लिए, जरा पूछिए इनसे। आपने वोट आलो के आप वोट आले रह जाओ ठेठू आलो हो, बाकी वोट अलवाओ कोई आपने फर्क पर जो है ने बोलो इतना में वोट दी दे हम पण में इतना वोट ना पण हमर कम कोई नहीं लाए सब वोट दी दे है आज के बाद वो मोटा था बणन वोट दी दे बणन मोटा दी दे पर हमरे तो कोई सुविधा कोई नहीं बिल्कुल ही नहीं। क्या बोल रहा है? ये सब बोल रहे हैं कि जब हम भी ये कह रहे हैं हम भी जिंदगी निकाल दी है, तो लेकिन मतलब जो ये चुनाव तो हम करते रहे हैं, लेकिन कभी किए आते हैं कभी किए आते हैं, लेकिन हमारा कोई सुनिया कोई करने वाला नहीं। ये बच्चा बोल रहे हैं कि हमारा कोई सुनिया कोई भी अभी खूब आते हैं और खूब जीत के जाते हैं, खूब रहते हैं वे आते जाते हैं, लेकिन वो वापस हमारे को कोई पूछते भी नहीं है, और किसने भी कुछ किया भी नहीं, आज तक कुछ नहीं किया 72 साल के अंदर। पोलिंग बूथ यहाँ से इस गांव से 12 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 7 किलोमीटर हमारे पैदल चल के माया बाया को यहाँ कच्चा रास्ता पे जाना पड़ता है, और वो उसी टाइम के ये वोटिंग टाइम से हमारे को कोई बाहर से भी आता है, कोई गांव से भी कोई कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है वो हम ले जाते हैं, लेकिन हम समीक्षा सुनने के लिए कोई बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है। सबके लिए 29 तारीख को मतदाता वोटर है, हमके लिए सबको रोका जाएगा, मतदाता नहीं करने देंगे हम मतदान नहीं करेंगे हम क्यों नहीं करेंगे, हमारे पहले हमारा समीक्षा करें, समीक्षा समाधान होगा जब हम मतदाता करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो।